अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग शुरू होता है मतलब अली जैन से। आज मैंने लेना है बदला क्योंकि कल उसने मेरी शॉप पे आके मेरे साथ यहाँ पे लड़की वाला प्रैंक कर दिया और ये बड़ा गलत हुआ है। अली जैन को बताना कि बहुत गलत जगह पे बर्दाश्त करना। फिर किसी ने नहीं ये कहना कि मेरा भाई है, मेरा भाई छोड़ दे। तैयब भाई, तैयब भाई सवाल नहीं पैदा होता था, डैडी भी आज नहीं छोड़ना उसको। अरे कहना क्या चाहते हो? पक्की बात है, पक्की कन्फर्म। चलो फिर, तो आज सामान जरा ले ले प्रैंक का, तो फिर चलते हैं। जैसे वो मेरी शॉप पे आके करके गया, मैं उसके घर में, उसके रूम में घुस के मारे, घर में घुस के मारेंगे, वो वाला सीन है। तो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। छोटू चेक कराना जल्दी कर, निकालिए। इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको? लगा चिपकाने के बाद 2 से 3 मिनट। ये कैसे, ये लाल लाल क्यों है? ये ना उसका रत्ता पसा बाहर आ जाए। इसको निकालने, एक निकाल लेना। ये दोनों लगेंगे? दोनों लगेंगे। एक, हाँ दोनों लगेंगे। एक साइड लगती है दोनों? एक साइड पहले लगाते हैं फिर दूसरी साइड। मतलब ये दो दफा इस्तेमाल होती है? अच्छा दो दफा, मतलब ये कि एक दफा से मेरी जान नहीं छुटी, दो दफा से कम अज कम। अच्छा ठीक, इस तरह के एक और दे दे। क्या था भाई, मैं ये ना कि एक अलग है। ये किस कंपनी का है? छोड़ यार, तूने क्या खाना है इसको? खाना है ना, चीखे निकालते हैं सही बंदे की। बस ये डन कर दे, ये दोनों दे दे। जैन को तो तैयारी करके रख, मैं पहुंचा। तूने तो बहुत खर्चा किया था ना, तो तैयब सिर्फ 100 रुपये में तेरी आज चीखे निकलवा देगा। 100 रुपये से चीखे निकल आएंगी उसकी, सही तरह पिटे। शाम को तो व्लॉग नज़र आएगा 8 बजे यूट्यूब पे, ठीक है? सैयद अली जैन बुखारी आईडी का नाम है, सर्च करना है और उस लड़की की चीखें चेक करनी है, ठीक है? भाई साहब, अली जैन का छोटा भाई मुझे रस्ते में ही मिल गया। प्रोग्राम पड़ा, उठला सेट हो गया, ये बाइक भी खड़ा है, गुड हो गया। पर कमरे में ही है, क्या कर रहे हैं? अच्छा बात सुनना, चाबी किसके पास है? तेरे भाई की आज चीखें निकालनी है। कैमरा तुझे पकड़ाएंगे जब, तो तेरा काम है सही तरह वीडियो बनानी, ठीक है? बजा दे बेल, मम्मा को समझा दी, ठीक है? एक साइड पे हो जा, वो देख ले। नहीं उसको पकड़ के निकालना, वो तो ऊपर ही होता है, ठीक है? अल्लाह जी अल्लाह, दुआ करो जी खाला जी, ऊपर से ये ना हो के कुछ। उसको लेके जाना है? लेके नहीं जाना, ऊपर रूम में ही हो गया यार। मिलने आया हूँ, सरप्राइज देने आया हूँ। ये सामने था, मैं पीछे छुपा हुआ था। क्या सरप्राइज? 5 बजे वीडियो बनानी होती, पता नहीं है तो मैं इधर क्या जख मारने आया हूँ? नहीं मैं जख मारने आया हूँ। टाइम क्या हो रहा है लड़कियों, इसके काम देख लो, ऊपर से ये काम आगे से बिजी कर रहा है। यार मैं जा रहा हूँ ना, तूने क्या समझा? खाली तुझे जानती है, मुझे कोई नहीं जानता। निकल चल, आप तैयब भाई को कोई नहीं पहचानता है? टिकटॉक कोई भी यूट्यूब पे नहीं पहचाना, टिकटॉक पे तो जानते है ना। चल ना ऊपर, तेरे कमरे में बैठने आ जा। किधर चलते हैं? टिकटॉक बनती रहेगी ना? नहीं ये जो मैंने झुरलू पकड़ा हुआ हाथ में, ये किस लिए पकड़ा हुआ? ये वीडियो ही बन रही है ना? वीडियो बन रही है तो यार छोटे बनानी चाहिए वीडियो, ठीक है? चल ये क्या, ये किसके हैं? अली जैन यार ये। अच्छा वैसे वहाँ पे मम्मी डैडी बना हुआ होता है, काम तेरा यही है, आवाज भी निकालना बाबा ये, मतलब ड्रोन वाली आवाज निकालना। चल ना, नहीं हो यार मैं यही दिखाने आऊंगा, असल में इसका बिजनेस क्या है? आपको ये बिजनेस टिकटॉक पे, उस पे दिखाएगा, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे दिखाने में क्या हर्ज है? पीछे बच्चे पे चढ़ेगा। चल ना, हाँ यार किधर, एक वीडियो बना कर आनी है। किधर बना के आनी है? अच्छा हो गया इतना बड़ा, वो छोटी बच्ची वाला पंजाब कॉलेज यार, वो मैंने उस पे मैंने भी बनानी। आज दोनों चलते हैं फिर वापसी आते हैं। मैंने कुछ नहीं खाया हुआ भाई, ये खाली पेट तेरे पास ना, आया हूँ काला आ रहा है ना, तो चिट्टा हो जाऊंगा ना। तू कौन सा चिट्टा आ रहा है? वही कह रहा इधर ब्लॉग ना बनाते काले। भाई साहब मैं यहाँ पे आया था अली जैन के साथ प्रैंक करने, तो भाई साहब पकड़ के मुझे ले आए हैं किस लिए? कि ओ जी पहले मैं वीडियो बना लूँ, तो आज आपको दिखाते हैं कि कौन सी मोटिवेशन वीडियो बन रही है। 17 साल बच्ची जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक स्टूडेंट है, जिसके साथ ज्यादती की गई, जिसको अपनी हवस का निशाना बनाया गया, और किसने बनाया? वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? हिफाजत करने वाला, मतलब यहां के हिफाजत करने वाले ही कुत्ते बन चुके हैं। मतलब लोग अपनी बेटियों को कॉलेज या स्कूल भेजते हैं, एक उनको इत्मीनान होता है कि यार मेरी बेटी जा रही है वो महफूज होगी, लेकिन क्या है जो जब हिफाजत करने वाले कुत्ते बन जाए तो वहां पर क्या किसी की बेटी महफूज होगी? और मुझे अफसोस है पंजाब कॉलेज के ऊपर कि जिसके प्रिंसिपल से इन बातों को छुपा रहे हैं।
मैं आप प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यही मामला आपकी बेटी के साथ किया जाता, अगर यही हादसा आपकी बेटी के साथ किया जाता, फिर आप क्या करते? खामोश रहते? नहीं खामोश रहते ना। तो लिहाजा ये भी किसी की बेटी है, आए सामने, आए निकालें उस मुलजिम को बाहर, जिसने ये ज्यादती की, जिसने उसको हवस का निशाना बनाया, उसको बाहर निकालें ताकि उसको सजा दी जाए। लेकिन अफसोस यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उसको निकाल सके। और मेरी रिक्वेस्ट है सब टिकटॉकर से कि जो आप लोग दिन में हज़ारों वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर आप सब मिलकर एक एक वीडियो इस लड़की के लिए बनाएंगे तो शायद इस लड़की को इंसाफ मिल जाए। लेकिन इतनी हिम्मत किसी में मुझे पता है नहीं है। अल्लाह हाफिज़। तो ये कर रहे थे अली जैन भाई, मैं तो आया था अपना कुछ करने के लिए, आपको पता ना क्या करने आया था। तो ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, देखे चलो उठ जा, उठ उठ, एक वीडियो अब क्या ही सही नहीं बनी, एक देखने देना यार। ये तो गलत बात है यार, मेरी दुकान में बगैर पूछे आ गए, शटर भी नीचे हो गए, पता नहीं क्या क्या करता रहा यार। ये क्या कर रहा है हमारे साथ बुला के, ये उधर तो ज्यादती जो हुई है वो तो बहुत गलत हुआ है, तो जो हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है ये छोटे को तो हमने साथ मिला ली है। पर आंटी जी कुछ ना बता रहे हो, चुप करके बैठ के दांत संभाल के रखी। तो बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अली जैन के रूम में, ये भाई साहब बैठे हुए हैं और क्या नाम है, अभी आप लोगों से कुछ दो चार चीजें पूछनी है मैंने, वो आपसे पूछता बता के किया जा रहा है। भाई साहब बार बार यही कह रहे हैं कि ये कौन सा प्रैंक है जो बता के किया जा रहा है, रुको जरा सबर करो यार। पता नहीं ये कौन सा प्रैंक कर रहे हैं, मतलब मुझे पता भी नहीं, मतलब बता के प्रैंक कर रहे हैं, समझ नहीं प्रैंक करना कौन सा है, ये कौन सा प्रैंक है वो। एक बूट ला दे, मिला का स्टाइल चेक करो, फ्रंट करो, तीनों जोकर तो इकट्ठे हो गए, पता नहीं कैसा प्रैंक होने लगा है यहाँ पे। ये शूज उतारने लगे हैं, पहले तो शूज उतारते मैं तो वैसे ही गिरने लगा था, खैर में बहुत गंदी स्मेल ली है, गंदी स्मेल शूज की क्यों आती है यार, किसी को आज तक समझ आई है? इसको साफ किया करना, धोया कर इसको। किसको धोया करूं, पाँव को अपने, पाँव को धोता रहता हूँ ना, शूज में से आ रही, पाँव में से नहीं आ रही। ये चेक करो जी, बैक फ्रंट कर, चेक करो फ्रंट कर, अब बैक कर, बैक करना, चेक करो जी प्रोग्राम दबाड़ गया। भाई साहब ये मैंने उतार दिए शूज, ये भाई साहब कह रहे हैं ये ऐसा कौन सा प्रैंक है जो बता बता के करते हो, ये मैंने शूज उतार दिए है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक हो गया। एक शूज ये पड़ा हुआ, इसमें से स्मेल आई, मेरा कोई कसूर है इसमें से, छोटू इधर आ, तो छोड़ दे इसको, इधर आ, ये छोड़ दे, भाई फोन क्या था, ये पकड़, प्रोग्राम मेरा सेट है, किसी बंदे का हाथ मुंह कान शान नहीं कटना चाहिए, थले छोड़ो किधर, रोन ना पे, इसको मैं छोड़ूं नीचे, नीचे लाइट से आ जाएगा, सही आ रही है, ये नहीं गुदवा, इसको नीचे छोड़ूं कहीं ये काका ना रोने लग पड़े, क्यों ये भी पकड़ दे तू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओए दिवस, तैयार देखे, तैयार बहुत दर्द होता है कसम, तैयार 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 होता है, इधर 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 शक्ल दिखा, इधर आके ले गया ना, ना करे तैयार तैयार तैयार, क्या नहीं क्या करनी, क्या करा, अच्छा छोड़ यार, तैयार नाम तो बढ़ गया, ये कहते कौन सा प्रेडिक्ट बता के, अभी मुझे पकड़ा दे, हाँ जी
हाँ जी साहब जी, कैसे हो? ठीक हो? पकड़ इसको, पकड़, इसको अंदर लेके जा, अभी अंदर लेके जा, अंदर लेके जा इसको। दरवाजा बंद कर देंगे फिर रोला हो जाएगा पीछे। भाई ये लग गया, चोटा बड़ा तेज है ओए। अब ये लग गई है, अब इसका कोई हल नहीं है। ये पकड़ जी, लग गया। नहीं उतारते अभी, देख अभी ऐसे नहीं उतारेंगे, प्यार मोहब्बत से उतारेंगे। प्यार होता है ये, बहुत बहुत दर्द होगा तुझे। देख मैं तो दर्द प्रैंक तो ही देख, तेरी सारी फैन फॉलोइंग। ना 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 सर ना, अच्छा लगा दे, लगा दे, लगा दे, लगा दे। अच्छा अभी रख ना, अभी आराम से रख, लग तो उतार ना। अच्छा मेरी बात सुन, जो लड़की तेरी इतनी 13 लाख फॉलोअर है, मांग मंट्री मिलियन, जब ये वो जो इस तरह के सुबह शाम काम करती है, उनको तकलीफ नहीं होती? तो वो लड़की है, लड़के हैं बादल बन, जाने वाला काम नहीं है, जाने वाला काम नहीं। ना करी ना करी, तो ये बहुत दर्द होगा, मैं क्या रूप से बहुत दर्द होगा, कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं बहुत दर्द होगा, कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं उतार है ना, प्रैंक करने है ना, कान नजदीक कर, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, मैं कह दे रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। शक्ल दिखा, रिएक्शन चेक करा, पानी गिलास लेके आ, पानी पिला, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। बच गया तू यार, इतना नहीं लगा। ये चेक करें गाइस, तैयब के साथ लड़की का प्रैंक करने के बाद अब ये दूसरे वाला जो है इसको कैसे उतारेगा? इसको यार ये इसको ऐसे अगर ऐसे सही तरह थपकाए ना तो फिर दर्द कम होता है। सही बात है, तरीका बता रहा हूं। हाय हाय, अच्छा हाथ भी शिकार, हाथ भी शिकार ना। लड़कियों तुम लोगों की हिम्मत है, लेकिन इसने ना बड़ी गलत जगह पे जाके पानी पिला दो, पानी पी ले। तू तो ऐसे जंगल से भाग के आया है। कितनी दफा कहा है कि तैयब के साथ प्रैंक इतना आसान काम नहीं है, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे ना। हाँ मेरे पुत्र, कैसा हुआ आज, फीलिंग कैसी है? तो भाई साहब के पास पिछले एक घंटे से कहते ये कौन सा प्रैंक है, ये कौन सा प्रैंक है, जो बता के हो रहा है, कैसा हुआ जी? इससे लड़ाई में तेरा एक दांत भी टूटा, वो भी चेक करो। अच्छा किधर है? ये सबसे बड़ा नुकसान तो इस छोटे को है, ये कहां मुंह बना के बैठा है, ऊपर कर, ये देखिए दांत। भाई साहब एक मिनट, एक मिनट ले गया हूं पास, ओए तो रोता नहीं बोल रहा, कहीं तो दिखा, सामने ले गया, आगे ले गया, सामने तो पूरे हैं ये ना। अच्छा ये साइड में मुक्का लगा ऐसे, नहीं फिर कैसे टूट गया? रात को टूटा, प्रोग्राम स्टार्ट रख सही, फुल बुखार चढ़ा गया भाई को। और लड़कियों मुझे बचा लेना, मैं ऐसा नहीं ना करेगा। हेलो तो ये बार न हो असी डगना अली भाई, साढ़े को कमरा भी है, रात हो गया, रात हो गया, ये कौन आया हमारे पास? मेरा भी आगे नीचे से ये तैयब नहीं, ये कौन आया है, मेरा क्या हुआ है? एंड में लॉग एंड कर दो ना भाई, भाई साहब, ओ भाई साहब
बताइए भाई। अब आप लोग देखना इसके साथ ऐसा प्रैंक करूंगा ना, तेरी मैंने ईंट से ईंट ना बजा दी ना। मेरा नाम अली नहीं बच्चे, ऐसा ना करना। अब देखना गाइस, अब आप लोग मुझे कमेंट से बताएंगे इसके साथ मैं क्या प्रैंक करूं, बल्कि मुझे इनबॉक्स में बताएं कि इसके साथ मैं क्या प्रैंक करूं। इनबॉक्स में लड़कियां इनबॉक्स में मैसेज करेंगे तो रिप्लाई नहीं करता। मैं करूंगा रिप्लाई, आपने मुझे बताना है इसके साथ मैं कौन सा आपको करूं। मैंने एक मसला हल कर दिया, आइंदा से आज से रिप्लाई आया करेंगे। और ये वाला व्लॉग शॉर्ट में अपने टिकटॉक पे भी लगा रहा हूं, और फुल देखने के लिए आप लोग अली जान के भी टिकटॉक पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाए आप यूट्यूब पे। तो अली जान की जो यूट्यूब है सैयद अली जान बुखारी के नाम पे, वहां पे जाके देखिए, पूरा व्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा और इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा फन होने वाला है। आप क्या करेंगे? 2 hours later तो भाई साहब आज का व्लॉग मैंने ऐसे करके बदला लिया ना आप लोगों को, मैंने शॉप से निकलते हुए बताया था कि अली जैन ने इस दफा गलत जगह पे ले ली है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भाई साहब का प्रोग्राम तो मैंने वाड़ दिया आज। अली बता क्या कहना चाहिएगा? आप लोग जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब आप देखिएगा कि इसके साथ मैं कैसा प्रैंक करूं। तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसके साथ मैं क्या प्रैंक करूं, नहीं तो मेरे दिमाग में बहुत गंदा आइडिया आ रहा है। तू टेंशन ना ले, तो तेरे कमेंट्स में जाके सुबह से शाम तेरे कमेंट्स ही पढ़ूंगा कि कौन सा आइडिया मेरे साथ होने वाला है। अगर मैंने कमेंट्स में पढ़ लिया, मैंने पहले ही तैयारी कर ली। फिर आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स मैसेज करना है, इनबॉक्स में भी आप रिप्लाई देगा। ये नौबत आ गई है मेरी खातिर, मेरे से बदला लेने की खातिर इनबॉक्स में भी रिप्लाई करेगा। तो यार अभी तक हमारे फॉलोवर जो है यूट्यूब पे, ये चीजें मैं संभाल के रखूंगा बच्चे, ये मैं संभाल के रखूंगा चीजें, मैं अपने तकिए के नीचे रखूंगा। जब प्रैंक करूंगा फिर तेरी नई चीज दिखाऊंगा, ये देख फिर ये दिखाऊंगा। ये होता है प्रैंक, ये होता है प्रैंक। लो जी लग गया, और अब आपको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ ये भी साथ देना यार। क्या किया मैं, तो चला ही गया था इसीलिए कैमरा पकड़। तुमने कुछ नहीं किया ना, मैं भी था यार, मैं शर्मिंदा हूँ। तू रात को मेरे घर चले, ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। देख लो तुम चारों के साथ, मैंने तीनों का करता क्या हूँ, बारी बारी प्रैंक करूंगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, देखो। चलो जी नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में अगर किसी लड़की को बुरा लगा हो कि अली जान के दादा ऐसा क्यों किया, तो मुझे बुरा भला नहीं कहना, जाके मेरा गुस्सा जो है जाके यूट्यूब के बेल आइकन पे दबाना है और गुस्सा वहां पे निकालना है। अल्लाह हाफिज़।